पंजाब दे सरकारी मुलाजमां ते पेंशनर्स नूं वड्डा झटका, पक्का नोटिफिकेशन भी कर दिता गया जारी। दोस्तों इस दे बारे विच सारी जानकारी तुहानूं असीं इस वीडियो राहीं देण जा रहे हां। दोस्तों इस वीडियो नूं वध तों वध सब दे नाल शेयर करना अते चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना जी। सो आओ प्यारे दोस्तों हुण असीं अपनी अज दी इस वीडियो नूं शुरू करदे हां। सो दोस्तों पंजाब सरकार वित्त विभाग वल्लों इक पत्तर जारी किया गया सी। इस दे विच लिखिया गया सी हुण तक सरकारी मुलाजमां लई जीपीएफ विच पैसे जमा करवाउण दी कोई सीमा नहीं सी अते इस सरलेख तहत मुलाजमां नूं जमा राशि ते 7% तों वध ब्याज दा लाभ भी मिलदा सी। नवें हुकमां तों बाद सरकारी कर्मचारी हर महीने अपनी तनखाह विच्चों सिर्फ 40,000 रुपए ही जीपीएफ विच जमा करवा सकणगे। दोस्तों केंद्र सरकार ने पंजाब विच नियम 1965 नियम 9B दे उपनियम अधीन क्लॉज सी दी उपधारा विच कीते उपबंधां नूं लागू करन दी हिदायतां जारी कीतियां हन। केंद्रीय हिदायतां दा हवाला दिंदे पंजाब सरकार ने सारे विभागां नूं हिदायतां कर दित्तियां हन कि साल 23-24 दौरान सारे कर्मचारी अधिकारी जीपीएफ विच 5,00,000 रुपए तों वध नहीं जमा करवाउणगे। जेकर किसी अधिकारी कर्मचारी की जीपीएफ जमा रकम सालाना 5,00,000 तो वध होने की संभावना है तो संबंधित विभाग बाकी महीनों में अधिकारी सरकारी कर्मचारी की जीपीएफ रकम निर्धारित समय के अंदर एडजस्टमेंट करेगा। इस तो इलावा जेकर वित्तीय साल 23-24 दौरान किसी अधिकारी कर्मचारी का जीपीएफ पहला ही 5,00,000 रुपए तो वध है तो बाकी महीनों दौरान उक्त अधिकारी कर्मचारी का कोई भी पैसा जीपीएफ में जमा नहीं किया जाएगा। इस नवें नियम नूं लागू करन दे लई वित्त विभाग ने अपने नियम विच भी ढिल दित्ती है जिस तहत जीपीएफ योगदान नूं मुढ़ली तनखाह दा घट्टो घट्ट 5% रखण दी हिदायत कीती गई सी। कर्मचारी जीपीएफ दा लाभ लैंदे सन। हुण तक सरकारी अधिकारी कर्मचारी जीपीएफ विच असीमित योगदान दे के काफ़ी लाभ प्राप्त करदे सन। पीएफ लई निर्धारित ब्याज दर जीपीएफ विच जमा रकम लागू कीती हुंदी सी जो कि देश दे किसी भी होर बचत योजना दे बंद ब्याज दर नालों ज़्यादा हुंदी सी। यह देखा गया कर्मचारी अपनी तनखाह का ज़्यादातर हिस्सा हर महीने जीपीएफ विच जमा करवाते सन अते लोड़ अनुसार कढ़वा लैंदे सन। इस म्याद दौरान जमा म्याद ਲਈ ਵਿਆਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਗਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।